खबरों का रुख कर लेते हैं। 15 से 17 दिसंबर तक यानी कि 3 दिन वन वॉक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बंसल न्यूज ने ऑटो एक्सपो विलीज 2.0 शुरू किया है, जहां एक ही जगह पर सभी तरह की ऑल सेगमेंट कार, टू व्हीलर्स और ई व्हीकल्स भी उपलब्ध हैं। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी ने बंसल न्यूज के ऑटो एक्सपो का जायजा लिया। राजधानी भोपाल में वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर दूसरे वर्ष व्हील्स 2.0 ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है और यहां पर तमाम अलग अलग वीआईपी गाड़ी आप मेरे पीछे देखेंगे खड़ी हुई है, चाहे लंबरगिनी हो, मर्सिडीज़ हो, फरारी हो, तमाम अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां हैं और इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। इस एक्सपो का आयोजन दूसरा वर्ष ये किया जा रहा है। आप ये वाहन देखने के लिए आप पहुंचे हुए, इसके साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस तरह के वाहन की? पहले नहीं, नहीं। देख चुके हैं पहले से, लेकिन अभी आके यहाँ अच्छा लग रहा है देखने में भी। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको अच्छी लगी? मस्टैंग है, उरुस है, मर्सिडीज की है, सब अच्छा है। मिनी कूपर है सबसे बेहतरीन, वहाँ मर्सिडीज की मेबैक लगी हुई है, सब प्यारी गाड़ियाँ। यहाँ पर भी देख सकते हैं अच्छी गाड़ियाँ हैं, उन्हें भी लोग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो है टू व्हीलर वाहन है, चाहे बड़े जो भी वाहन है वो यहाँ पर मौजूद है और ये अलग अलग लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और यहाँ पर वाहनों को लेकर जो है इंट्रोडक्शन भी लोग देते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, कितने लोग यहाँ इंक्वायरी के लिए आते हैं? सर, काफ़ी लोग आ चुके हैं, मतलब अभी जैसे आप देखेंगे तो मतलब डेली आज सुबह से मान लीजिए कम से कम 20 से 25 लोग आ चुके हैं। जी, मैं ले रहा हूँ अभी, ये मर्सिडीज़ की GLC है। ये मुझे क्या, मैं गाड़ियों का एंथुजियास्ट हूँ, मुझे कार बहुत पसंद है, उनकी इंटीरियर, उनके कितनी सीसी की वो मतलब इंजन है इनका, और बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये अभी डीजल में बैठा हुआ हूँ और ये मर्सिडीज़ की गाड़ी है। क्या कैसी इंक्वायरी है, कितने लोग आ रहे हैं? अच्छा टर्न अराउंड है, सभी अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं। जनरली यहाँ पर यूथ ज़्यादा है तो जो गाड़ियों का क्रेजेज है वो सब देख रहे हैं। कौन से वाहन है मर्सिडीज़? ये GLC है, ये पेट्रोल व्हीकल है और उस तरफ जो खड़ा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये बढ़िया, आप देख सकते हैं सुजुकी का वाहन है और एकदम स्पोर्ट गाड़ी है। कैसा मैडम, कैसा रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सभी का रुझान अच्छा मिल रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है सब लोग, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमें भी अच्छा लग रहा है आके, हमारा स्टॉल यहाँ पे लगा के। बंसल ग्रुप ने हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया है यहाँ पे। ये जो वाहन, कौन कौन से वाहन सुजुकी के? यहाँ पे हमारा सुजुकी का जिक्सर 250 है, वी स्ट्रॉम हमारा 250 यहाँ पे है, एक्सिस है हमारा, इसके अलावा हमारा एविनिश यहाँ पे है। बंसल न्यूज हेड आशीष महेंद्रू भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, जो ऑटो एक्सपो है 2.0 यहाँ पर आयोजन इस बार किया जा रहा है, क्या इस बार खासियत है अन्य जो पिछले वर्ष के मुताबिक, इस बार कौन से नए वाहन यहाँ पर लाए गए हैं? नमस्ते भोपाल, नमस्ते मध्य प्रदेश। बंसल न्यूज़ के इस ऑटो एक्सपो विलीज 2.0 में इस बार खासियत ई व्हीकल्स का जोर बहुत ज़्यादा है। इस बार हमारे साथ ई व्हीकल के तौर पर मर्सिडीज़ ने अपने ई व्हीकल्स यहाँ भेजे हैं, हुंडई ने, महिंद्रा ने ई व्हीकल्स यहाँ भेजे हैं, BYD ब्रांड जो इंदौर से यहाँ पर अपनी सारी गाड़ियाँ लेकर के आया है वो भी ई व्हीकल्स लेकर के आया है। तो जैसा कि देखा जा रहा है हिंदुस्तान ई व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम ऑटो एक्सपो में पा रहे हैं कि ई व्हीकल्स की तरफ ग्राहकों का रुझान और कंपनीज़ का रुझान, दोनों रुझान ई व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। ईयर एंड डिस्काउंट्स हैं यहाँ, कंपनीज सब ईयर एंड डिस्काउंट दे रही हैं, तो आप ईयर एंड डिस्काउंट का फ़ायदा लीजिए, आप नए ब्रांड्स को आकर के देखिए, आप ई व्हीकल्स को आकर के देखिए, उनकी टेस्ट राइड्स बुक करिए, उनके अट्रैक्टिव स्कीम्स को ध्यान में रखिए और ऑफकोर्स गाड़ी के कंफर्ट का और हर तरह से, जो कि आप कई बार ऐसी गाड़ियां हैं जो आप शायद भोपाल में नहीं देखते हैं वो भी यहां पर हैं, तो ज़रूर भोपाल आइए और इस ऑटो एक्सपो का आनंद लीजिए। बंसल न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।